आइए आइए, आप बैठिए, यहाँ पे बैठिए बैठिए। अभिषेक, प्रभाकर दादा को तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। सब कुछ सच सच बताइए प्रभाकर दादा। अभिषेक, वो मैं तुझसे नाराज हूं। क्या, मुझसे नाराज? क्यों क्यों क्यों? अरे क्यों क्या क्यों प्रभाकर दादा, अभी आपने कहा ना मुझसे बाहर कि आप जैसा विद्वान महान गीतकार बड़ा भाई होने के बावजूद ये लड़का प्रेम पत्र लिखने में हिचकिचा रहा है, परेशान हो रहा है, आपकी मदद नहीं मांग रहा। नहीं मतलब प्रभाकर दादा, आपकी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। क्यों तकलीफ दे रहे हैं इन्हें? तकलीफ तो मुझे हो रही है अभिषेक, प्यार होता है तो खो जाती है नींद, एग्जाम सर पे होती है तो खो जाती है नींद। तो एग्जाम प्यार एक हुए, शाहरुख खान ललिता पवार एक हुए। वाह वाह प्रभाकर दादा, क्या बात है, देखा अभिषेक देखा। अरे ऐसे काबिल बड़े भाई की मदद ना लेना ये उनका अपमान है। प्रभाकर दादा, आपको इसी बात की तकलीफ है? अच्छा, हाँ आप सुनाइए। आपके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते प्रभाकर दादा। और मेरे आंसू दिखे जा रहे हैं आपको? कुत्ता भूखा होता है तो बोलता है भाव भाव, गृहिणी दाम घटाने जाती है तो पूछती है क्या भाव भाव। तो गृहिणी कुत्ता एक हुए, बंदर बाजा एक हुए। वाह वाह प्रभाकर दादा, क्या बात है। अभिषेक, तेरे प्रेम पत्र की सबसे पहली लाइन यही होनी चाहिए, लिख। क्या, बाजा बंदर, मतलब गायत्री बाजा और मैं बंदर? हाँ अरे बरोबर तो है, तू समझना बाड़ा, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, वो बाजा और हम बंदर। प्रभाकर दादा इरशाद, और तब तक इरशाद करते रहिए जब तक अभिषेक अपना पूरा प्रेम पत्र लिख नहीं लेता। इरशाद लिख। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि एक्सपायर हो जाएगा। एक्सपायर हो जाएगा, ये क्या कह रही हो आप? लेकिन सुन, गायत्री को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। अगर उसे पता चल गया तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा उसे, वो तो शादी ही कैंसिल कर देगी। बहन उर्मिला, तेरा रोता चेहरा देखकर गायत्री को शक हो जाएगा। हंस 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 उर्मिला हंस। मम्मी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहले आप रोते रोते बोलती हो कि एक्सपायर हो जाएगा, फिर अचानक से हंसने लगती हो। अचानक हंसने लगी? हाँ हाँ, वो किसी ने सही कहा है ना, के रोते रोते हंसना सीखो। और तुझे तो पता ही है मैं कोई भी चीज कितनी फटाफट सीख जाती हूँ। तुम मम्मी बात को टालो मत, सच सच बताओ, कौन सी चीज के एक्सपायर होने पे इतना रो रही थी आप? एक्सपायर हाँ, तो मेरे राजकोट की जिम की मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है। 10 साल की मेंबरशिप ली थी, अभी सिर्फ 6 महीने बचे एक्सपायर होने में। एक दिन भी नहीं गई मालूम है, कपड़ा मिल भी नहीं किया मैंने। थ्रेड मिल मम्मी? हाँ भैया इसे मवे, अभी थ्रेड हो के पूरा का पूरा कपड़ा हो, लास्ट में मिल तो आता है ना। उसमें रोने की क्या बात है? तो रो नहीं तो क्या करूं, कितना खर्चा किया था मालूम है, कहा 10 साल की बात और अब सिर्फ 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। भाई 10 साल से 6 महीने हो गए गायत्री की एक्सपायर होने में। मम्मी होता है, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना क्या रोना है, और 6 महीने तो है ना। क्या जिंदा दिल लड़की है, जिंदगी के 6 महीने बाकी है लेकिन कैसे हंस के बोल रही है। बस मम्मी बस, इतना ओवररिएक्ट मत करो, शांत हो जाओ। और एक बात, जब तक मैं इस घर में हूँ मेरे सामने बिल्कुल नहीं रोना, ओके?
भारती भाभी आप? वो मैं चक्कर लेने आई थी। ये क्या इशारा था? वो मैं चक्कर लेने आई थी ना, तो मैं चक करने का इशारा कर रही थी। अच्छा अब मम्मी आप देख लेना, मैं आती। वो माफ करना उर्मिला मैनी, पर एक बात पूछो, 10 साल के 6 महीने? नहीं, वो मैंने आते हुए सुना, वो जानबूझकर नहीं सुना, पर सुना। तो क्या सच में 10 साल के 6 महीने? अभी सीरावती को मैं कह दूंगी कि झूठ बोल रही थी, और ये गायत्री को बता देगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ड्रामा चालू रखना पड़ेगा। हाँ पद्मावती बहन, सिर्फ 6 महीने बचे हैं। बोलो, टाइम इतना फास्ट निकल गया कि पता ही नहीं चला। हाँ कुछ ज्यादा ही फास्ट चला गया, कल तक तो 10 साल थे। छोड़ो कल की बात है पंचायती बहन, आप साकर लेने आई थी ना, लाओ ला के देती हूँ। और अब इस विषय में मुझे कोई सवाल मत पूछना बहन, क्या है ना, दिल भर आता है। कितना भरो साकर, कितना भरो इसमें? अच्छा रहने दो, पूरा ही भर लेती हूँ। हाँ चल बिस्किट अपने दान करिए। भाई 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 भाई, कल तक 10 साल थे, आज सिर्फ 6 महीने रह गए गायत्री के पास। लगता है बहुत बड़ी बीमारी है जो एकदम फास्ट फैल रही है। सासू भाई सुनेंगे तो क्या हाल होगा कि उनकी होने वाली बहू और हमारी देवरानी सिर्फ 6 महीनों में। बोलिए भाई साहब, कितने किलो भाखरवड़ी दूं? भाई भाखरवड़ी तो ठीक है, लेकिन आपके यहाँ फिर का छाता मिलता है वो तो मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा भाई साहब, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्या है कि स्टॉक खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, छाता दे दो, भाखरवड़ी बाद में ले लूंगा। भाखरवड़ी है, छाते का स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन टेम्पो अभी आता ही होगा। ठीक है तो टेम्पो आता है तब मैं आ जाता हूँ। लो आ गए आपके छाते, आइए भाई आइए, आ जाए आ जाए फटाफट। हाँ अन्ना, वो महेंद्र बाबू की दुकान पर भाखरवड़ी खरीदने के लिए कितनी लाइन लगी है? वो जो लाइन लगी है वो भाखरवड़ी खरीदने के लिए नहीं, वो फ्री की छतरी लेने के लिए लगी है। जो भी हो लाइन तो लगी है ना, हमारे यहाँ तो सुबह से कोई नहीं आया अन्ना, एक ग्राहक भी नहीं आया। आएगा आएगा। आगे, आगे। आओ, नमस्कार नमस्कार, बोलिए क्या दूँ? क्या मिलता है इधर? क्या मिलता है इधर? इधर तो आरती का सामान मिलता है। देखो ये दोनों बंबू है, मैं मटका हूँ, बोलो किसकी आरती उठानी है आपको? क्या मजाक करते हो भाऊ, भाखरवड़ी की दुकान को आरती की दुकान बोलते हो? जब तुमको दिख रहा है कि किसकी दुकान है तो फिर पूछा क्यों कि क्या मिलता है इधर? मैं ये पूछ रहा था कि फ्री में क्या मिलता है। फ्री में डांट, यहाँ पे जो भी कोई फ्री में कुछ भी मांगता है उसको डांट फ्री में देता हूँ मैं, चाहिए? उसके लिए मेरी बीवी है घर पे, यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा तो सामने वाले से ले लेता हूँ मैं भाखरवड़ी। हाँ उधर ही से ले ले, उधर ही से ले ले। दिखला मत माधुपेट में बाद में। क्या क्या प्रभाकर दादा क्या बोले आप, हमें भी फ्री में कुछ देने को सोचना चाहिए। सोच लिया है बाड़ा, मैंने सोच लिया है, मैं तुम दोनों को दे दूंगा फ्री में। अभी खड़े रहो चुपचाप और गिराज पे ध्यान दो। लेकिन अन्ना ग्राहक है ही नहीं तो ध्यान कहाँ दें? तो मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो। ये महेंद्र भाव की फ्री की स्कीम ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, लेकिन हमारे गिराई का हम पर विश्वास, हमारी बाकरवड़ी का स्वाद, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक ये महादेव पेट है तब तक। और देखना देखना हमारी गिराई लौट कर हमारे पास आएंगे ही आएंगे। ये देखो आ गया। नमस्कार, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार। वो फ्री में छतरी मिलती है ना, उसकी दुकान किधर है बताइए अन्ना।
महादेव काका। अरे अभिषेक भाऊ, या बोलो क्या चाहिए? वो आपके पास कोई अच्छी बुक है, मतलब जिसमें अच्छी अच्छी प्यार भरी बातें लिखी हो? वो क्या है ना, प्रभाकर दादा को चाहिए था, उनकी एनिवर्सरी आ रही है ना, भारती वहनी को लव लेटर लिखने के लिए। देता हूँ। हाँ महादेव काका बोल रहा हूँ, अपने स्टेशनरी दुकान से। आपका शक बिल्कुल सही निकला। हाँ अभिषेक आया ना यहाँ पे, दो क्या? ये लो। कौन? अरे बात करो, अभी पता चल जाएगा। हेलो, कौन? तुम्हारी नई होने वाली पत्नी बोल रही हूँ। गायत्री तुम? और ये क्या कह रही हो, तुम्हारी नई होने वाली पत्नी? सही कह रही हूँ, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे तुम्हारी फीलिंग का लव लेटर चाहिए, जिसमें तुम्हारे दिल से निकले हुए शब्द होने चाहिए। हाँ। और तुम उधार की बुक खरीद कर उसमें लिखी किसी और की बातें मुझे चिपका रहे हो। अरे नहीं, मैं तो ऐसे बस। बहाने मत बनाओ अभिषेक, मुझे पहले से ही शक था कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने महादेव काका को पहले ही बोलकर रख दिया था। देखो अभिषेक, मैं तुम्हें लास्ट एंड फाइनल वार्निंग दे रही हूँ, लेटर तो तुम्हें ही लिखना पड़ेगा, बिना किसी की मदद लिए, अपने दिल से, और हम दोनों के परिवार के आगे पढ़ना भी पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो समझो शादी कैंसिल। गायत्री, गायत्री सुनो ना। अरे देव, ये क्या हो गया गायत्री को, ऐसे कोई करता है क्या? थोड़ा तो टाइम देना चाहिए था, इतने कम समय में अब क्या लिखूं? नहीं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अभिषेक, गायत्री को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। मैंने कहीं सच में शादी कैंसिल कर दी तो? नहीं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा।